सीएसके और आरआर के मैच के टॉस के दौरान एमएस धोनी ने फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। चेन्नई सुपर किंग्स का ये आईपीएल 2022 का आखिरी लीग मैच था और जब ईएन बिशप ने एमएस धोनी से पूछा कि क्या हम उन्हें दोबारा सीएसके की जर्सी में अगले साल देखने वाले हैं, तो एमएस धोनी ने कहा कि डेफिनेटली अगले साल भी सीएसके की तरफ खेलते हुए दिखेंगे और एज अ कैप्टन ही खेलते हुए दिखेंगे। एमएस धोनी ने पहले ही कह दिया था कि वो आखिरी गेम अपना जो है चेन्नई के ग्राउंड पे खेलना चाहते हैं, चपॉक पे खेलना चाहते हैं। तो इस बार तो आईपीएल नहीं हो रहा है चेन्नई पे, लेकिन अगले साल उन्होंने कहा है कि जब वो चेन्नई पे खेलेंगे तो चेन्नई के फैंस को जो एक फाइनल सेंड ऑफ दे सकते हैं। चेन्नई के ग्राउंड पे ना खेलते हुए अगर अभी रिटायर हो जाते हैं तो अनफेयर होगा सीएसके के फैंस के लिए। उन्होंने कहा कि अगले साल जब होपफुली हम ट्रैवल करेंगे तो अलग अलग जगहों पर जाके वो सभी फैंस को थैंक्स कह सकते हैं। तो अगले साल तो एज अ कैप्टन सीएसके की तरफ से खेलने वाले हैं, लेकिन क्या वो आखिरी साल होगा उस पर अभी तक पूरी तरीके से वो खुलकर बोले नहीं है। और साथ ही खबरों के अनुसार रविंद्र जडेजा भी एमएस धोनी के साथ यानी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े रहने वाले अगले साल भी। तो एक बहुत अच्छी खबर सीएसके फैंस के लिए, एमएस धोनी के फैंस के लिए, कि अगले साल ही हमें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी एज अ कैप्टन देखने वाले हैं। फैंस यही उम्मीद करेंगे कि इस सीजन में जैसा परफॉर्मेंस, उससे बेटर परफॉर्मेंस देकर एक अच्छा कमबैक करें एमएस धोनी। आईपीएल 2022 से जुड़ी लेटेस्ट और ट्रस्टेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।